छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज शनिवार को एक दिवस के बस्तर प्रवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम अरुण साव के मां दंतेश्वरी विमानतल पर पहुंचते ही भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यहां से डिप्टी सीएम अरुण साव लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री अरुण साव ने बस्तर संभाग के सभी जिलों में आए लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चर्चा की। वहीं जगदलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं बल्कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है। 5 साल के शासन में कांग्रेस ने ठगने और धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस के गठन के काल से ही देश के आजादी के बाद से ही पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसने कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए।